हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है मेरे ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपने ब्रेसेस दिखा के ही करूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने ब्रेसेस का अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी, तो एग्जैक्टली सेम मैं आज भी कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को देती हूँ अपनी ब्रेसेस ट्रीटमेंट का एक अपडेट कि मेरे टीथ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये है मेरे टीथ में थोड़े बहुत चेंजेस। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए नए नए अपडेट लेके आती रहूँगी, तो एग्जैक्टली सेम मैं कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन से समझ गए होंगे कि किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप लोगों के जो स्पेसिंग मीन्स जो टीथ में बीच में जो गैप आ जाता है, किसी के यहाँ या बीच से आधे जैसे टीथ यहाँ से कट जाता है, या कई लोगों को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं टीथ में। मैं आपको सबकी पिक्चर्स यहाँ शोन कर दूंगी कि कैसे कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं टीथ में, जिसको हम टीथ में गैप बोल सकते हैं, स्पेसिंग बोल सकते हैं, या टीथ में जो भी छोटा मोटा चेंजेस आना है। मींस ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी प्रॉब्लम है कि जो फेस में है डायरेक्टली आपके फेस टू फेस अगर हम लोग कॉन्टेक्ट में करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो मींस हर किसी के दिल में ये क्वेश्चन रहता ही है, मींस कि अगर वो हर कोई ये चाहेगा ही चाहेगा कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हम स्माइल हमारी अच्छी दिखे, हमारे टीथ अच्छे दिखे। क्योंकि हमारे फेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई देती है वो होता है हमारे टीथ, क्योंकि हम लोग बात उससे करते हैं, हम लोग के फेस में फ्रंट में टीथ ही नज़र आते हैं। तो अगर हमारे टीथ अच्छे होंगे तो हमारा फेस खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर टीथ में ज़रा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे मेन पॉइंट उसी चीज़ में इंसान का जाता है, सभी उस चीज़ पर फोकस करने लग जाते हैं कि अरे तुम्हारी टीथ में ऐसी प्रॉब्लम है, तो वही पॉइंट है। तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है गैपिंग को कवर करने का, वो होता है ब्रेसेस। तो ब्रेसेस के लिए क्या करते हैं कि अगर हम लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट में जाते हैं तो उसमें हमें 1 to 2 ईयर लगते ही लगते हैं प्रॉक्स। तो उसमें क्या होता है कि वो आपके टीथ में चेंजेस लाते हैं, मींस वो प्रेशर दे के अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। बट हम लोग अगर आपके टीथ बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए अगर आपको स्पेसिंग कवर करनी है तो वो बहुत अंदर चले जाएंगे या बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में शेप बदल जाएगा। तो अगर आपको उसके अलावा अगर आप लोगों को दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ब्रेसेस हो गया गैप को कवर करने के लिए। सेकेंड टॉपिक जो है आपका, सेकेंड पॉइंट अगर आप बोले जाए तो हमारा होता है गैपिंग। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे टीथ में कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे टीथ तो है लेकिन मींस टीथ है बिल्कुल, शेप भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे टीथ में गैपिंग आ गई है, मींस बहुत बड़ा गैप बन चुका है, गैप भी हो चुका है इतना बड़ा साइज़ का या इतना अप्रॉक्स। तो अगर वो गैप बन चुका है आप लोगों के टीथ में और ऊपर से आप लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ और ट्रीटमेंट नहीं देना है, जल्दी से जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करवा सकते हैं, कैपिंग करवा सकते हैं। कैपिंग का मतलब ही आप नाम से समझ गए होंगे, कैप लगाना। कैप मींस जैसे हम लोग हैट कैप पहनते हैं सिर पे, वैसे ही हमारे सिर को वो कवर कर देता है, तो वैसे ही है। उसमें क्या होता है, उस प्रोसीजर में हम लोगों के टीथ में यहाँ से जहाँ पे भी जौन से टीथ में कैपिंग लगनी है, उस टीथ को थोड़ा थोड़ा डॉक्टर्स ऊपर ऊपर घिस देते हैं, मींस उसका लेयर वन लेयर निकाल देते हैं, उससे उसके स्पेस बनाते हैं चारों तरफ से, वो पूरे ऑल ओवर लगता है, मींस पूरे टीथ में ऐसे करके फिक्स होता है। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके टीथ वो नहीं है या है, तो उसमें वो एग्जैक्ट सेम साइज़ में, सेम पोजीशन में, सेम लग जाएगा और आपके पूरे टीथ की तरह सेम नज़र आने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कैपिंग। तो ये बहुत इजी और बहुत अच्छा प्रोसीजर है, जैसे बोलते हैं बेस्ट प्रोसीजर है। अगर आप लोगों के टीथ में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप लोगों के टीथ में सिर्फ यूथ से थोड़ा बहुत गैपिंग है या कलर डिस्कलरेशन है, मींस कलर में चेंज है एक टीथ का, जैसे कई लोगों को होता है एक्सीडेंट की वजह से, कहीं पे अचानक लगने की वजह से कलर चेंज आ जाता है, दूसरे एक टीथ का कलर बिल्कुल बदल जाता है और टीथ के हिसाब से, उस केस में आप लोग ये कैपिंग लगवा सकते हैं। थर्ड आ जाता है आपका वीनर्स बोलते हैं उसे, लैमिनेट बोलते हैं आप लोग उसे। तो उसमें क्या होता है, वो केस में, वो इस केस में होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये टीथ में जैसे अगर हम लोग के कटा हुआ है या
थोड़ा बहुत स्पेसिंग बाकी है तो उसके उस केस में वो लगते हैं, या हमारे डिसकलरेशन जैसे मेन मैंने आपको पॉइंट बोला, कैपिंग और ये लेमिनेट्स, ये दोनों सेम प्रोसीजर में ही आते हैं। बस कैपिंग में पूरे टीथ में लगता है, लेमिनेट्स में हाफ टीथ में लगता है। तो उसमें क्या होता है, अगर फ्रंट फ्रंट में वो आपके एक बड़ा टीप टाइप होता है नकली, वो आप लोग के साइज शेप ले लेंगे, सेम वही शेप साइज में वो लोग आपके फिक्स कर देंगे। उसको पता भी नहीं चलेगा बाहर से कि आप लोग के क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है, वो आपके स्पेसिंग को भी कवर कर देगा और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है ये भी। नाउ फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है फिलिंग, जिसे बोलते हैं टूथ फिलिंग। जैसे हमारी कैविटीज़ में फिलिंग होती है और चीज़ों में फिलिंग होती है, तो जिनके थोड़े बहुत दांत टूटे हैं या किसी के ऐसा होता है कि ये ऊपर है ये नीचे है या आगे पीछे है या यहाँ से बीच से बहुत बड़ा गैप है, पर आप लोगों को टीथ आपके बिल्कुल सही साइज़ में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही शेप में दिखाई दे रहे हैं, बट टीथ में बीच में गैप आ चुका है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आप लोग फिलिंग करवा सकते हैं। तो वो फीलिंग बहुत बेस्ट रहती है टीथ के लिए, वो आप लोगों को पता भी नहीं लगने देगा कि आप लोगों के नकली टीथ हैं या क्या है, फीलिंग के हैं। तो जैसे बॉन्डिंग करवाते हैं टीथ में तो वैसे ही टाइप होता है, वो बॉन्ड टाइप लगा देते हैं बीच में, भर देते हैं उससे, उससे क्या होता है वो आपके बिल्कुल टीथ की शेप में टीथ जैसा ही दिखाई देगा, सेम टीथ की शेप में लग जाएगा, बहुत बेस्ट रहता है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के टीथ को बहुत अच्छे से फिल कर देंगी, पता भी नहीं लगने देंगी कि आप लोगों ने कुछ और इसमें एडिशनल कुछ करा है। और अगर आप लोगों के कैविटीज़ हैं तो उसको भी आप फिलअप करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरी टीथ में भी पीछे की तरफ है कैविटी, तो उसी को मैं फिल करवाने के लिए बाद में फिलिंग करवाऊंगी, बट अभी नहीं, वो जैसे ही मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं करवाऊंगी। बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं आप लोगों को आपके टीथ के लिए, और आप लोग अगर चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट में ना जाके, और अगर आप लोगों को टीथ में भी प्रॉब्लम है, आप लोगों के टीथ को भी अंदर करना है, आप लोगों को डायरेक्शन भी चेंज करना है मीन्स, तो उसके लिए आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले, वो बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, परमानेंट होता है, ये सब चीज़ें भी परमानेंट होती हैं बट कुछ टाइम के लिए होती हैं, फिर कई सालों बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसमें आप लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे, बट ये रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छा देंगे। तो आज का मेरा वीडियो इसी चीज़ के ऊपर था, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, और कुछ क्वेश्चन या क्वेरी आप लोगों की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।